नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों हम उत्तर प्रदेश पीसीएस 2017 प्रारंभिक परीक्षा के पेपर सॉल्व कराएंगे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं, खासकर अपर पीसीएस की परीक्षा, लोअर पीसीएस या फिर समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो तो उसमें कैसे प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, तो इसका एनालिसिस आपको इस प्रश्न पत्र को देखने से पता चल जाएगा। तो चलिए ये दोस्तों शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि पूछा गया था कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ में की गई स्वदेश दर्शन योजना निम्नलिखित में से किस पर्यटन का विकास सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सूफी चक्र। इसमें विरासत चक्र, रामायण चक्र और तटीय चक्र शामिल था, सूफी चक्र इसमें जो है शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई थी। तो दोस्तों इसमें जो मजदूरी न्यूनतम निश्चित की गई थी वो 7400 रुपये प्रतिमाह निश्चित की गई थी। ये इसका आंसर गलत दिया हुआ है इसमें, तो ये 7400 रुपये प्रतिमाह निश्चित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। तो इसका आंसर दोस्तों हरियाणा राष्ट्र जो है लिंगानुपात दृष्टि से भी सबसे नीचे है और आर्थिक दृष्टि से भी सबसे नीचे है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। तो इसमें जो है शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंबकों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह इसमें से एक और दो, पहला और दूसरा सही है। तीसरा, यह गैस पाइपलाइन परियोजना सही है, इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था, यह भी कथन सही है। यह ईरान से भारत तक फैली है, यह गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मिलान करना है, एक सूची यहाँ दिया है। तो खेल का सामान मेरठ है, दिया सलाई बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद और लकड़ी पर निकासी जो है सहारनपुर में की जाती है। तो इससे मिलाने पर दोस्तों बी आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी परिभाषित अंगीकृत की थी। तो परम गरीबी की जो परिभाषा संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो ने अंगीकृत की थी 1995 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 8वां कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लैंगिक सूचकांक के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। तो उसमें स्वास्थ्य शामिल किया जाता है, शिक्षा शामिल किया जाता है, आर्थिक स्थिति शामिल किया जाता है, परंतु आराम को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 9वां प्रश्न कि यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इसका प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन यानी डेनमार्क की राजधानी है, यहाँ पर आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा यानी कि ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है। तो इसमें दोस्तों सी वाला आंसर है कि बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों और विद्यालय पोशाकों का वितरण जो है इसमें नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों मिलान करना है कि उस कौन सी योजना का कौन क्या उद्देश्य है। तो इसमें आपका जो है उदय योजना हो जाएगा, विद्युत वितरण कंपनी वाली वित्त पोषण, ये बिल्कुल सही है, कौन सुमेलित नहीं इसमें पहचान करना है। हृदय योजना विरासत वाले शहरों का संरक्षण पुनर्जीवन, ये भी सम्मिलित है। अमृत योजना शहरों के मूलभूत संरचना में सुधार, स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेयजल, ये इससे संबंधित नहीं है, स्वच्छता से संबंधित है। तो डी आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना गया है। तो इसका होगा आंसर सी वाला आंसर हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 13वां प्रश्न कि निम्न योजनाओं के विचार कीजिए, आरंभ से कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये दोस्तों थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन था, क्योंकि जनधन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल एजुकेशन इंडिया, इसके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। इसके अलावा दोस्तों मुद्रा बैंक योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। तो इसको मिलाने पर दोस्तों तो दो पहले किया गया है 2014 ये, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा, यानी कि 2 होगा पहले, 2 के बाद आपका 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद 8 अप्रैल यानी 4 होगा, 3 होगा, परंतु यहाँ 3-4 दिया गया है तो सी को ही आंसर माना गया है। तो ये डाउट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसने भारत तथा यूएसए के साथ जुलाई 2017 मालाबार सैनिक अभ्यास में भाग लिया? तो इसमें दोस्तों आंसर है मालाबार सैनिक में भारत, यूएसए और जापान ने भाग लिया है। इसके बाद अगला प्रश्न, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 116वां स्थान था, लेकिन अगर दोस्तों 2018 में पूछा जाएगा तो 2018 में भारत का 110वां स्थान हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश के प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली डेमो ट्रेन का 14 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया, यह सफदरगंज रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्यूचर वर्ग में 2017 का डैन डेविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये करंट के क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर है श्रीनिवास कुलकर्णी को दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कन्फेडरेशन कप 2017 किसे जीता था? तो ये जर्मनी ने जीता था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें जो है 12वां G20 शिखर सम्मेलन जर्मनी में संपन्न हुआ था, ये सही बात है, 13वां G20 शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 14वां G20 शिखर सम्मेलन जो है जापान में संपन्न होगा, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महिला एक दिवसीय के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मिताली राज के प्रदर्शन के संदर्भ में, मिताली राज के बारे में पूछा है, कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले 6000 से अधिक रन बनाने का श्रेय दिया जाता है, बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने प्रथम मैच में शतक बनाया, बिल्कुल सही है। इसके बाद है दोस्तों कि लगातार 7 अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है, ये भी सही है। सर्वाधिक शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड उनके नाम है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों इनके पास सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड नहीं है, तो पहला दूसरा तीसरा ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मई 2017 में उद्घाटन में किए गए ढोला सदिया पुल की लंबाई कितनी है? तो ढोला सदिया पुल की लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम हाई सेमी स्पीड तेजस चलेगी? तो यह चलेगी मुंबई और करमाली के बीच में, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जिसमें पूर्व सदस्य के रूप में शामिल किया गया भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया, अब संपन्न हुआ था, ये संपन्न हुआ था दोस्तों अस्ताना में। अगला प्रश्न दोस्तों, 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है? तो ये इसका मेजबान देश जो है जियामेन में किया गया था, चीन है। अगला प्रश्न दोस्तों, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी सूची के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को सर्वाधिक गंदा शहर का दर्जा दिया गया था? ये गोंडा यूपी का जिला है, इसको सबसे गंदा शहर का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित किसे सरस्वती सम्मान 2016 का किसे दिया गया है? तो ये महाबालेश्वर शैल को दिया गया है, डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस 2017 का विषय वस्तु क्या है? थीम पूछा हुआ है फैमिली प्लानिंग इम्पावरिंग पीपुल डेवलपिंग नेशंस, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न 28वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित किया जाने वाला है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित किया जाने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा माना जाने वाला वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला जुलाई 2017 में रखी गई, तो इसकी आधारशिला पार्क जो है भोपाल में रखी गई। अगला प्रश्न दोस्तों, 30वां की जून 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पैनल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो के कस्तूरी रंगन जी को इसका अध्यक्ष जो है बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो इसमें जो प्रथम भारतीय है वह है के श्रीकांत को प्रथम भारतीय बने हैं यहाँ पर।
अगला प्रश्न दोस्तों मिलान के लिए आया है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है देहरादून में आपका। भारतीय चरागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये है झांसी में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में है, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। तो ऐसे अपना मिलान हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच पर प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू किया गया, तो ये इसका आंसर जो दोस्तों कर्नाटका है। अगला प्रश्न है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा 2017 में प्रकाशित विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक प्रसन्न है, तो इसका आंसर दोस्तों नार्वे जो सर्वाधिक प्रसन्न देश है। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2017-18 संघ सरकार बजट 10 मुख्य विषय वस्तुओं में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो है दोस्तों निर्यात निष्पादन को शामिल नहीं किया गया, बाकी ये तीनों आपका वर्ग में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य शांति वार्ता हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2017 का जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो वो पेरिस में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों 37वां प्रश्न के हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, तो ये 5 माइक्रोन से कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, तो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यही दोस्तों अगर भारत का पूछता है तो भारत का जो है 15 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं उनमें बताना क्या है सही है क्या गलत है, तो दिया गया है कथन दिया गया कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। दूसरा कथन दिया गया है आर कि मौसम की चरम दशा की बारंबारता तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, तो इसका दोस्तों जो है दोनों एक दूसरे को सही कारण भी है, कथन भी सही है कारण भी सही है, और दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क को 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। हैली नेशनल पार्क के नाम से इसे पहले जाना गया था, बाद में से जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है, तो इसका सही क्रम है दोस्तों जनसंख्या समुदाय पारिस्थितिक तंत्र फिर भू दृश्य, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों कौन सा तंत्र सुमेलित नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन सही है, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल ये भी सही है, नाइट्रस ऑक्साइड जो जलमग्न धान खेत ये सुमेलित नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 43वां प्रश्न हरित गृह प्रभाव से वातावरण से निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो इसमें होता है दोस्तों कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों सबके लिए सतत ऊर्जा दशक की पहल है, ये यूएनओ यूनाइटेड नेशन का ये पहल है। अगला प्रश्न दोस्तों भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था, भोपाल गैस दुर्घटना मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव ये जो है इसका कारण था। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित फ्लोराइड आयन जो है आपस से सुमेलित नहीं, क्योंकि पारा मिनमाटा डिजीज होती है, कैडमियम से टाइटाई बीमारी होती है, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो इसमें यह सुमेलित नहीं है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त सांद्रता मानी गई है, तो उपयुक्त सांद्रता जो है 0.03% है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है दोस्तों, तो वर्षा की मात्रा जो है ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन था, तो इसमें वायुमंडल की नमी और तापक्रम दोनों है, लेकिन वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है, यह आंसर इसका सही है। अगला सुमेलित करना है दोस्तों, तो इसमें सुमेलित में आपको पर्यावरण दिवस 5 जून पता ही है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सही है, तंबाकू निषेध दिवस ये एक बिल्कुल गलत है, ये तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है, और ओजोन दिवस 16 सितंबर बिल्कुल सही है, तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जैव विविधता को अधिकतम संकट है, जैव विविधता का अधिकतम संकट प्राकृतिक निवास और व्यक्तियों के विनाश से संकट है। अगला प्रश्न है दोस्तों 51वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं, तो जलवायु परिवर्तन के 1, 2 और 4 ये 3 कारक है, सौर धधक में वृद्धि ये कारक नहीं शामिल है इसमें। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से सुमेलित करना, सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित नहीं में आ जाएगा आपका नीली हरी शैवाल, धान के लिए ब्लू ग्रीन एल्की सही है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, मटर के लिए एजोटोबैक्टर, गेहूं के लिए ये भी सुमेलित है, अजोला जो है ये मक्का के लिए सुमेलित नहीं है, क्योंकि अजोला भी धान के लिए सुमेलित है, तो ये जो है गलत हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो शीतोष्ण पतझड़ वन जो है, अरे सॉरी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष, तो वन संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था 1980 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न मिलान करना है दोस्तों, तो इसका मिलान हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइलेंट वैली में, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी। दूसरा है शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश। तीसरा है कच्छ वनस्पति सुंदरवन। चौथा है पतझड़ वन राजस्थान। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 56वां प्रश्न है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के हेतु गणपूर्ति यानी कि कोरम कितनी है? तो कोरम कितनी होती है, सदन के सदस्यों का कुल 10वां भाग यानी 1/10 सदस्य उपस्थित हैं तभी कोरम माना जाएगा, तभी संसद जो है चलेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों 57वां, इसको मिलान करना है, तो इसमें हो जाएगा न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसमन करना, तो ये 38वां संविधान संशोधन है। दूसरा है आपका दोस्तों कि संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, तो ये हो जाएगा आपका 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन, उद्देशिकाम 45% 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएँ समान हैं? तो इसमें जो है आपका केवल तीसरा समान है कि राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है, ये है, और ये तीनों जो है समान नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? तो ये प्राप्त किया गया ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। 60वां प्रश्न है दोस्तों कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है और कारण है कि भारतीय संविधान कुछ उधार के वस्तुएं हैं, तो इसका हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में देखो, सरकारी आयोग का सदस्य था, तो दोस्तों एस आर सेन जो है सरकारी आयोग के सदस्य थे। अगला प्रश्न मिलान करना है, राज्यसभा में कितने कितने सदस्य हैं अगर देखा जाए, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों 64वां प्रश्न कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है किस वर्ष हुआ था, तो ये 1952 ईस्वी में इसका गठन किया गया था राज्यसभा का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है, तो आर्टिकल 263 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, सुमेलित नहीं है तो नीति निनुमोदन प्रस्ताव, ठीक है ये सुमेलित है, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। मितव्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग को में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, ये भी सही है। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाए, ये भी सही है। लेखानुदान, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में निम्न से क्या उपबंधित हैं, 67वां प्रश्न है क्या उपबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2 और 4, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नियुक्त किया जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर जो है न निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बुलक कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है, इस ये उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है परंतु धनाढ्य नहीं है, सी वाला ऑप्शन है, उन्हें बैल पूंजीपति कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 70वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है, तो इसमें जो है मृत्यु दंड जो है 21 के दायरे में नहीं आता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है, तो यह एक संवैधानिक संस्था है, ये बिल्कुल गलत है, संवैधानिक संस्था क्षेत्रीय परिषद नहीं है, और बाकी सब तीनों सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 72वां कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही बात है, भारत का अपना एक संविधान है, दोनों सही है, संविधान है और लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जरूरी नहीं कि संविधान है तो वो लोकतांत्रिक देश होगा, जिस देश का संविधान है उसका लोकतांत्रिक देश हो जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं, दोनों कथन तो सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 73वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कौन संसद सदस्यों को सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है,
तो इसमें जो है साक्षिक रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ये जो है सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस पर विचार करना, नीचे दिए गए कूट पर अपना उत्तर चुनिए। तो इसमें पहला है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, न कि राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न दोस्त, अगला इसमें है दूसरा कि वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न दोस्तों कि उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, ये राज्यपाल के बारे में कहा जा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों कि उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, न्यायिक शक्ति उनके पास भी है। तो इसमें एक और तीन जो है सही है, बाकी ऑप्शन इसके गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों 75वां प्रश्न कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है, तो अघन्य शब्द जो प्रयोग किया गया है वो गाय के लिए किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।